जय जोहार साथियों, मैं माया क्लासवा, जिला परिषद सदस्य, जिला डूंगरपुर, विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा, राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी को निर्धारित मुद्दों पर सहसंबंध बनाकर लाया गया था। आज भारतीय ट्राइबल पार्टी के हमारी राय लिए बगैर थोपे गए प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र कटारा ने कहा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी सामाजिक जनजागरण का आधार आदिवासी परिवार का हिस्सा नहीं है। तो हम प्रदेश प्रवक्ता को बताना चाहते हैं कि हम आदिवासी परिवार की देन है, भारतीय ट्राइबल पार्टी की देन नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2018 में राजस्थान में विकसित की गई जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली को अस्वीकार करने की वजह से गतिरोध पैदा हुआ था, अब बढ़ गया है। भारतीय ट्राइबल पार्टी को हम निश्चित शर्तों पर एक तरह से लीज पर लाए थे। आदिवासी परिवार के नियम सिद्धांत के अंतर्गत लाए थे, जबकि आज भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी परिवार पर अपना नियंत्रण जमाना चाहती है, जो हमें स्वीकार नहीं है। इस वजह से हम भारतीय ट्राइबल पार्टी से संबंध तोड़ रहे हैं। आज से मेरा कोई संबंध नहीं है, हमारे लिए आदिवासी परिवार सर्वोपरि है और रहेगा। सामाजिक जनजागरण अभियान जारी रहेगा। बता सकते हैं, आदिवासी परिवार हमारे लिए ऑक्सीजन के समान हैं। हम राजनीति उद्देश्य से इकट्ठा नहीं हुए हैं, सामाजिक अस्मिता कायम रखने के लिए जनजागरण कर रहे हैं। राजनीतिक लाभ, सामाजिक एकीकरण से बोनस मिला है। हमारी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली नहीं मान रहे हैं तो साथ चलने का कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारी राय लिए बगैर हम पर भाजपा से निष्कासित प्रदेश प्रवक्ता थोपा है। वह आजकल हमारे सिर बैठने की कोशिश करता है, यह हमें स्वीकार नहीं है। मेरा और पूरे राजस्थान से आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली से जीते हुए जनप्रतिनिधियों जैसे जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंचों का कमल कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है और कभी भी सामाजिक विचारधारा के आधार पर कमल कांग्रेस और BTP को हमारे क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देंगे। धन्यवाद।